नमस्ते, मेरा नाम कपिल तोमर है। मैं भावराव देवरे सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की जो विधि है, इसमें हम दाएं हाथ से प्राण मुद्रा बनाते हैं और बाएं हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में रहता है। और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम बाएं नासिका से श्वास लेते हैं, फिर दाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं, और फिर दाएं नासिका से श्वास लेंगे और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्रक्रिया में हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हो। तो इस तरीके से शुरुआत में हम इसके 10 से 15 चक्र का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमें जो लाभ प्राप्त होते हैं, उसमें हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, वो शुद्ध होती हैं। हमारा जो रक्तचाप है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर, वो सामान्य रहता है, और इससे हमें मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नमस्ते।